हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये जो माई फेयर क्रीम आती है। देखिए, बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं और काफ़ी मैंने भी देखे हैं, मेरे भी क्लाइंट्स हैं जो मेडिकल से क्रीम ख़रीदते हैं। किसी ने उनको बता दिया कि ये वाली क्रीम ले लो, इससे आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और वो लोग लेकर यूज़ करने लगते हैं। लेकिन देखिए, जब भी हम कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने के कुछ रूल्स होते हैं, और कैसे हमें उसको यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, अगर हम उसका यूज़ छोड़ रहे हैं तो हमें कैसे छोड़ना है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं तो वो हमें फॉलो करने होते हैं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि हाँ यूज़ करी और नहीं, अगर कुछ लग रहा है 2-4 दिन यूज़ करी और छोड़ दी। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, हमें कितने टाइम उसको यूज़ करना है, कब हमें इसका रिजल्ट मिलता है और कैसे हमको इसको छोड़ना है, तो हर चीज़ का हमें देखना होता है। तो आज मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ कि इस क्रीम को आप कैसे यूज़ करेंगे, कौन से स्किन पर यूज़ करेंगे, कैसा रिजल्ट आपको मिलेगा, और इसमें जो कंपोजिशंस हमें दी हुई है वो कैसे हमारी स्किन पर वर्क करती है। तो इसमें देखिए, हमें ये तीन कंपोजिशंस, तीन सॉल्ट हमें इसमें मिलते हैं, मोमेंटासोन एंड दूसरा है ट्रेटिनॉइन, एंड जो थर्ड इसमें हमें मिलता है वो मिलता है हाइड्रोक्विनोन क्रीम। तो ये तीनों क्या वर्क करते हैं हमारी स्किन पर, सबसे पहले हम ये देखेंगे, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि ये कैसे हमारी स्किन पर वर्क कर रहे हैं तो हम कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इनको यूज़ क्यों कर रहे हैं और हमारी कौन सी स्किन पर ये वाले ये जो क्रीम हम यूज़ कर रहे हैं ये जाएगी। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो इसमें है ये है मोमेंटासोन। तो गाइस, ये जो मोमेंटासोन होता है, ये वाला जो सॉल्ट होता है, ये क्या करता है, हमारी स्किन में जो भी सूजन होती है, रेडनेस होती है, उसको कम करने में हेल्प करता है। ओके, तो ये क्या है, मोमेंटासोन जो है वो एक तरह का स्टेरॉइड है। और गाइस, आप जानते हैं कि आप स्टेरॉइड अगर यूज़ कर रहे हैं तो जब आप इस क्रीम को छोड़ रहे हैं तो इस क्रीम को छोड़ने के भी कुछ रूल्स होंगे। जब भी हम स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, भले ही हम उसको टैबलेट में यूज़ करें या फिर हम लोशन में यूज़ करें, क्रीम में यूज़ करें, तो उसको यूज़ करना प्लस अगर हम उसको छोड़ना चाहते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना है। वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको मोमेंटासोन जो है वो यूज़ करना है एंड छोड़ना है। सेकेंड जो हमारा है वो है इसमें ट्रेटिनॉइन। ओके, तो जो ट्रेटिनॉइन जो सॉल्ट है, ये क्या करता है, ये हमारी स्किन के पोर्स को क्लियर करता है। देखिए, कई बार हमारी स्किन पे डस्ट डर्ट से हमारे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, वो हमारी स्किन पर जमा हो जाते हैं, तो उसको क्लियर करने का काम करता है हमारा ट्रेटिनॉइन सॉल्ट। अब ये क्या करता है, ये हमारे पिंपल्स पे, जो हमारे रिंकल्स होते हैं, फाइन लाइंस होती है, हमारे डार्क स्पॉट होते हैं, उन सब पर भी ये वर्क करता है। और थर्ड जो इसमें हमें मिलता है हाइड्रोक्विनोन, वो वर्क करता है हमारी डार्क स्किन को लाइट करने के लिए। तो देखिए, एक ही क्रीम में आपको कितने सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, बट हमको यूज़ कब करना है। तो देखिए गाइस, जब भी आप ये यूज़ करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको कुछ तो प्रिकॉशन ध्यान में रखनी है। एंड जब भी आप ये माई फेयर क्रीम यूज़ करेंगे, आप इसको यूज़ करेंगे नाइट में, कभी भी डे में आप इस क्रीम को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो जो इसमें ट्रेटिनॉइन सॉल्ट है, ये जहाँ पर ये सॉल्ट आ जाता है वहाँ पर हमें सन के कॉन्टेक्ट से बचना है। तो जब भी आप ट्रेटिनॉइन सॉल्ट अगर आपके किसी भी क्रीम में आता है, तो इट मीन्स वो क्रीम को आपको हमेशा नाइट में यूज़ करना है, डे में यूज़ नहीं करना है। एंड नाइट में यूज़ करके और जब डे में आप बाहर निकलते हैं, इवन आप जो अपनी रूम लाइट्स हैं उनमें भी निकलते हैं, तो आपको सनस्क्रीन यूज़ करना ज़रूरी है। ओके, तो ये आपको पता चल गया है कि हमेशा हमको इसको यूज़ करना है नाइट में। जैसा कि आप इस पे भी देख सकते हैं, यह क्रीम केवल रात में उपयोग करें, यहाँ भी इसमें मेंशन है, तो हमको इसमें इसको डे में कभी भी यूज़ नहीं करना है। ओके, अभी देखिए, इसमें जो हमें क्वांटिटी मिलती है वो हमें मिल रही है इसमें 20 ग्राम। एमआरपी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी एमआरपी है 195। अभी हम देख लेते हैं और इसमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशन हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए गाइज, इसमें हमें जब भी आप यूज़ करेंगे आपके हैंड वॉश होने चाहिए, और यूज़ करने के बाद भी आपके हैंड वॉश आपको ज़रूर करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये आपको सूट नहीं कर रही है, किसी भी टाइप की जलन, इरिटेशन या कोई भी रेडनेस आपकी स्किन पर आ रही है, तो आपको इसका यूज छोड़ देना है।
आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा 15-20 दिन बाद। और गाइस, जब भी अगर आप इस क्रीम को छोड़ना चाहते हैं ना, तो आपको कभी भी इसको डायरेक्टली नहीं छोड़ना है, आपको इसको छोड़ना है, देखिए, क्योंकि जो हमारे ये जो मोमेंटस ऑन सॉल्ट है, इसमें हम ये एक तरह का स्टेरॉयड है। सो आप सभी जानते हैं कि स्टेरॉयड हम यूज़ करते हैं तो उसको हम बिल्कुल एक साथ में छोड़ नहीं सकते हैं। तो आप जब डेली यूज़ कर रहे हैं इसको, तो आप जब इसको छोड़ना चाहते हैं तो आप पहले इसको अल्टरनेट डे छोड़िए। जैसे आपने आज लगा ली तो फिर आप परसों लगाइए, फिर आप एक दिन स्कीप कर दीजिए, इस तरह से। फिर आपको 2 डेज का गैप लेना है। इस तरह से करते हुए आप इस वाली क्रीम को धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। और जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो देखिए, इसमें हमें ये एक दिया हुआ है कार्ड, इसके अकॉर्डिंग हमें इसको यूज़ करना है। डायरेक्शन ऑफ यूज़, वेट द स्किन विद वाटर, मतलब हमेशा फेस वॉश करना है, उसके बाद में फेस को अच्छे से सुखाना है, एंड देन हमें ये वाली क्रीम बहुत लाइट हैंड से मसाज करनी है। बहुत ज़्यादा आपको रब नहीं करना है स्किन को, ओके? और कुछ मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, एंड इसको फिर आपको वॉश आउट कर देना है। तो जो भी इस पे दी हुई है आपको प्रिस्क्रिप्शन, या फिर आपके डॉक्टर ने जो बताई है, उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है। इसमें देखिए, आपको सब कुछ बताया हुआ है। हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन क्लिनिकली टेस्टेड है। लाइटन्स डार्क पैच ऑफ स्किन फॉर ब्राइट एंड ब्लैमिश फ्री स्किन। ट्रीट मेलाज्मा पर भी ट्रीट करती है। प्रोवाइड्स फास्ट रिलीफ। सो देखिए, एक तरह से क्रीम काफ़ी अच्छी है, केवल रात में ही उपयोग करें, लेकिन इसका यूज़ करना आपको आना चाहिए। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको आप इसको यूज़ करेंगे, एंड कभी भी डायरेक्टली मत छोड़ना, वरना आपका वही स्किन हो जाएगा, आपको कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये इस क्रीम की सबसे बड़ी बात है कि कभी भी आपको इसको डायरेक्ट नहीं छोड़ना है। सो इस तरह से आप ये वाली क्रीम यूज़ कर सकते हैं। आप डॉक्टर से भी एडवाइस ले सकते हैं, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट यूज़ हमेशा आपको इसको रात में करना है। अगर किसी भी तरह की जलन या कोई भी आपको इरिटेशन हो रही है, रेडनेस हो रही है, तो आपको इसको छोड़ देना है। फिर आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, उसके बाद में ही आपको इसको यूज़ करना है, वरना आपको इसको यूज़ नहीं करना है। सो आपने देखा होगा कितनी सारी प्रॉब्लम्स पर ये एक क्रीम वर्क करती है। सो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये वाली क्रीम आप बाय कर सकते हैं, लेकिन इसके जो भी प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो आपको फॉलो करने हैं, उसके बाद में आपको ये वाली क्रीम यूज़ करनी है। सो ये हमारे कलर को भी लाइट करती है, हमारे जो भी पिंपल होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन होती है हमारी स्किन पर, कोई भी पिगमेंटेशन होती है, हमारे जो भी हमारे ना फेस पर हमारे लेयर्स बन जाती है, डार्क डस्ट से हमारे ब्लैकहेड्स हो जाते हैं, उससे हमारी स्किन को क्लियर करता है, और एक तरह से हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, बट प्रॉपर यूज के साथ। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।